सारथी 79 में भी थे और तब भी गवर्नेंस के माध्यम से सारथी बने जब लोगों को दरकार थी। जब मैं कहती हूं नरेंद्र मोदी इज अ मेथड, जो अध्ययनशील है शायद वो उस बात पर गौर फरमाएंगे कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2012 में उन्होंने पंचामृत का उल्लेख किया गुजरात में। वो क्या पांच अमृत थे जिनके बारे में नरेंद्र भाई ने चर्चा की? पहला, नरेंद्र भाई ने आह्वान किया गुजरात की जनता से तब कि आओ मिलकर जल शक्ति पर अपना ध्यान प्रस्तुत न हो और समाधान में परिवर्तित हो। विनोद जी ने आज इस मंच पर उल्लेख किया उस रैली का जब बम फटे थे, जनता के बीच में खौफ का माहौल कैसे उत्पन्न हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के संदर्भ में कैसे अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां हो, उस उद्देश्य के साथ खौफ का माहौल तैयार किया गया। लेकिन जनता भी समझती थी कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति के नेतृत्व में, ऐसा क्या है उनकी कार्यकुशलता के बारे में कि खौफ जनता को नहीं बल्कि उन राजनीतिक दलों को है जिन्होंने अब तक जनता को विकास से वंचित किया। और इसीलिए बम फटा विनोद जी मैदान में, धमाका हुआ उन राजनीतिक दलों के मध्य में जिनके हाथ से सत्ता छूट गई। लेकिन नरेंद्र भाई ने कभी जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद पाने के बाद भी जिस कर्तव्य पथ पर वो चल पड़े थे उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए बिना मर्यादा का उल्लंघन किए कभी भी लक्ष्य से अपनी दृष्टि को हटने नहीं दिए। 2012 में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जल शक्ति की बात की, साथ ही ऊर्जा शक्ति की बात की। रवि जी मंच पर विराजमान हैं, चौबे जी हैं, गिरिराज भैया हैं। जब कैबिनेट में या कैबिनेट के साथ साथ काउंसिल में नरेंद्र भाई चर्चा करते भारत के विकास, तब बार बार इस बात पर सबका ध्यान आकृष्ट करते कि स्वतंत्र भारत को ऊर्जा की दृष्टि से स्वावलंबी होना है, ऊर्जा की शक्ति को पहचानो और ऊर्जा की शक्ति को मैन्युफैक्चरिंग से लगाओ और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाओ। वो ऊर्जा शक्ति भारत सरकार की अब रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी में किस प्रकार से परिवर्तित हुई उस पर मैं तो क्या रवि बाबू मुझसे ज्यादा इस मंच पर बोल सकते हैं। 2012 में नरेंद्र भाई ने ज्ञान शक्ति के बारे में पंचामृत में उल्लेख किया और वो वक्त ऐसा था जब गुजरात की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, बिकुबह में शायद 50वीं वर्षगांठ थी प्रदेश की। उन्होंने दो नए संकल्प क्या है कि हम सब गुलामी की निशानी से अपने आप को अपने देश को मुक्त करेंगे, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, एकता और एकजुटता का हम राष्ट्र के सम्मुख व्यवहार के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, विकसित भारत के लिए हर नागरिक अपने कर्तव्य को पहचानकर कर्तव्य पथ पर चलेगा। इन विषयों पर नरेंद्र भाई ने अपना उद्बोधन लाल किले की प्राचीर से दिया। ये सारी बातें कहीं न कहीं किताब की प्रति में आप पढ़ पाएंगे। लेकिन जब मैं कहती हूं कि मोदी न सिर्फ मंत्र है, न सिर्फ मेथड है, बल्कि मिशन भी, कर्मयोगी भी हैं और कर्म
मतलब योद्धा भी। तो ये बात मैं क्यों करती हूं, कर्म योद्धा क्रिया का प्रतीक है और कर्म योगी आचरण का प्रतीक है। आज जिस प्रदेश की भूमि को संतों ने आशीष दिया, जिस प्रदेश की भूमि को वीरों ने अपने खून से सींचा, जिस प्रदेश की भूमि से अवतरित हुए कुछ ऐसे शिक्षक जिन्होंने मात्र प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्र को दिशा दी, उस प्रदेश में जब हम बात करते हैं कर्म योद्धा की, तो किस भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से शायद नरेंद्र भाई की अपेक्षा। जितिया के इस पावन पर्व पर नरेंद्र भाई के लिए सभी माताओं से यही आशीर्वाद मांगती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय मन्नतों और मुरादों से मांग कर दिए गए प्रधानमंत्री के विषय में कहा है, उसे जिस प्रकार व्यक्त किया उससे लगता है तुम्हें सरस्वती सिद्ध है। आप 2 मिनट और प्रतीक्षा करें, कार्यक्रम समाप्ति पर है, कृपया बैठ जाएं अपने स्थान पर, कृपया बैठ जाएं 2 मिनट। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ और आज हमारे सारे